आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अलग अलग नाम हैं, जैसे यूनिवर्सल सफरेज, ओके, यूनिवर्सल सफरेज, या फिर जनरल सफरेज, या फिर कॉमन सफरेज, ओके। ये इसके 3 नाम और भी हैं। इसका मीनिंग क्या होता है बेसिक? इसका मीनिंग है कि राइट टू वोट ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इनकम रेस एथनीसिटी सब्जेक्ट ओनली टू माइनर एक्सेप्शंस। मीनिंग जो भी आपकी कंट्री में सिटीजन्स हैं, एडल्ट सिटीजन्स, यानी कि एक पार्टिकुलर एज रखी होती है हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, कि इस एज ग्रुप से ऊपर, मीन्स जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में रखा गया कि 18 ईयर से ऊपर एडल्ट जो सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट दिया गया है रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इनकम रेस और एथनिसिटी। उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, इनकम है या नहीं है, रेस कौन सी है उनकी, इट डजेंट मैटर, ओके। और एथनिसिटी सब्जेक्ट ओनली टू माइनर एक्सेप्शन, छोटी मोटी एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन एट यू नो बिग लेवल विद इफ यू सी, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग ये है कि राइट टू वोट है सभी को, एडल्ट सिटीजन्स को, 18 ईयर से ऊपर हमारी कंट्री में, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग एज ग्रुप दिया होता है एज ग्रुप से ऊपर, ओके, यानी 18 ईयर्स हो सकता है कहीं पे, 20 हो, 21, तो इस तरह से। तो इसके बारे में कुछ और भी फैक्टर्स हैं, उनको हम देखेंगे, हाइलाइट्स हैं। यूनिवर्सल मेन सफरेज इसको सपोज किया जाता था पहले पहले, यानी कि जब पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स यानी 19th सेंचुरी में इसका जो यूज़ हुआ वो मेनली किसको इंडिकेट करता था? मेल सफरेज, यानी कि वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, ओके। तो वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, इसलिए इसको अंडरस्टूड किया जाता है, हाँ, कैसे अंडरस्टूड टू मीन ओनली मेल, यूनिवर्सल मेल सफरेज। लेकिन बाद में जब वुमेन्स ने अपने लिए लड़ाई लड़ी, मूवमेंट की उन्होंने, सफरेज मूवमेंट, ओके, सफरेज इज द सेम टर्म विच वी यूज़ फॉर फ्रेंचाइज, ओके। तो उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने मूवमेंट चलाई, तो उनको भी बाद में राइट मिला था। और यहाँ पे है कि मिनिमम एज 18 to 25 के बीच में होता है मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में, मीन्स 18 और 25 के बीच में ही हमें कंट्रीज मिलेंगी जिनको भी राइट टू वोट होगा, मीन्स 18 ईयर्स हो सकती है कम से कम उम्र रखी हुई राइट टू वोट के लिए, ओके, या फिर 25 हो सकती है, इससे ऊपर तो नहीं होगी, यही एज ग्रुप है। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि यूएस में जो वुमेन थी उनको राइट टू वोट कब मिला? 1920 में मिला, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, जो फर्स्ट फीमेल एमपी थी वर्ल्ड में वो कहाँ पे इलेक्ट हुई थी? वो हुई थी इलेक्ट फिनलैंड में, वो भी 1907 में। आगे चलते हैं थोड़ा, तो यही है कि पहले पहले जो कंट्रीज़ में जो वोट करने का राइट था वो वेल्थी पीपल के पास था, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, तो वो एक बहुत ही छोटी सी, यू नो, एक बहुत ही छोटी गिनती के लोग थे, वो काफ़ी मिनोरिटी में थे, वो भी मेल पॉपुलेशन थी, क्योंकि फीमेल को तो राइट मिलता नहीं था। उसके बाद अगर बात करें, या फिर कोई पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों को दिया जाता था राइट टू वोट, ओके। थोड़ा आगे जाएं तो फ्रांस के बारे में लिखा है कि 1793 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर मेल्स को, सभी ऑल एडल्ट मेल्स को, यू नो, लुक यहाँ पे सभी मेल्स को राइट मिला, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। सेकंड, जब फ्रेंच रिपब्लिक बना उसमें इंस्टीट्यूट किया गया एडल्ट मेल सफरेज को आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, यानी 1848 के बाद मेल सफरेज मिला गया, मिला, ठीक है, एडल्ट मेल सफरेज फ्रेंच में, फ्रांस में। सिर्फ मेल की बात हो रही है क्योंकि फीमेल को तो मिलता नहीं था। लेकिन 1906 में क्या हुआ कि जो ऑटोनोमस ग्रैंड डची ऑफ फिनलैंड, यानी कि मैंने जैसे बात की पहले, कि फिनलैंड में पहली जो महिला एमपी रही है ये 1907 में चुनी गई थी, लेकिन 1906 में इनमें क्या हुआ का कि फर्स्ट कंट्री बन गई फिनलैंड इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट फुल यूनिवर्सल सफरेज एज वुमेन कुड स्टैंड एज कैंडिडेट्स अनलाइक इन न्यूजीलैंड। मीन्स फिनलैंड में क्या हुआ, फिनलैंड में वुमेन को भी राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट मिल गया, यानी कि वो वोट भी कर सकती थी और इलेक्शंस में खड़ी भी हो सकती थी, अनलाइक इन न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं था, ओके, कीप इन माइंड दिस टर्म, अनलाइक इन न्यूजीलैंड, इसको आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि
मेल और फीमेल दोनों को मिल गया फिनलैंड में 1906 में पहली कंट्री बनी जिसके फुल यूनिवर्सल सफरेज मिला, यानी कि मेल्स को फीमेल्स को दोनों को राइट टू इलेक्ट है, राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, यानी कि वोट भी दे सकते हैं और इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि न्यूजीलैंड की बात करें तो 1893 में सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट लिव्ड 18th सेंचुरी कोर्सियन रिपब्लिक टू ग्रांट एक्टिव यूनिवर्सल सफरेज बाई गिविंग वुमेन द राइट टू वोट। मीन्स न्यूजीलैंड में वुमेन को राइट दिया गया था 1893 में सिर्फ किसका? एक्टिव यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि एक्टिव यूनिवर्सल सफरेज मीनिंग होता है कि उनको सिर्फ वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो किसी भी इलेक्शंस में खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं था। फिनलैंड में 1906 में दोनों राइट मिले, लेकिन यहाँ पे 1893 में मिले, पहले मिला लेकिन सिर्फ राइट टू वोट मिला, राइट टू बी इलेक्टेड नहीं था, यानी कि वुमेन न्यूजीलैंड में इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती थी। इट डिड नॉट ग्रांट यूनिवर्सल फुल सफरेज, ओके, वोट एंड बी ए कैंडिडेट आर बोथ एक्टिव एंड पैसिव सफरेज अंटिल 1919। इसका मीनिंग 1919 में फुल सफरेज जहाँ पे भी मिल गया होगा, क्योंकि इन्होंने बोला अंटिल 1919, तो 1919 में न्यूजीलैंड भी फुल सफरेज हो गई, ओके। लेकिन 1893 में उनको सिर्फ एक ही एक्टिव यूनिवर्सल सफरेज दिया गया था वुमेन को, ठीक है, मेल्स को तो था ही था। उसके बाद बात करें 1902 में ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बनी, लेकिन द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट द फुल सफरेज फॉर वुमेन, दैट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन बोथ द राइट टू वोट एंड टू रन फॉर ऑफिस। लेकिन हाउएवर यूनिवर्सल सफरेज वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज ओरिजिनल्स डिड नॉट गेट द राइट टू वोट अंटिल 1962। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। 1902 में डिक्लेरेशन तो हो गई कि फुल सफरेज दे दिया गया, ठीक है, वुमेन को, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि जो एबोरिजिनल्स थे, वहाँ के जो हकीकत में रहने वाले लोग थे, जो वहाँ के मूल वासी थे, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था 1962 तक, ओके। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई फुल यूनिवर्सल सफरेज की, ओके, और इस वजह से 1962 तक ये टल गया। थोड़े फैक्ट आगे बढ़ते हैं, अगर कोई फैक्ट है तो हैं। इट्स जस्ट लिटिल बिट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट इट्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू नोट, ओके। कुछ बातें, हाँ, इंडिया के बारे में अगर मैं, हाँ, ये 1906 में आपको बताया ना कि ये जो पहले वाली लाइन है, इसका मीनिंग है कि फुल यूनिवर्सल सफरेज मिला इसमें। सेकंड वाले का मतलब है कि इसमें इनको मेल सफरेज मिला, इसका मतलब है फीमेल वाले को फुल सफरेज मिला, सॉरी फीमेल को मिला राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्ट। और 1906 का मतलब है, इस वाले डिब्बे का मतलब है कि यहाँ पे एथनिसिटी की बेस पे मिला राइट टू वोट, ओके। तो 1906 में क्या हुआ कि फिनलैंड में सभी राइट्स दे दिए गए थे, ओके, विदाउट एनी डिले फॉर वुमेन। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में IJKLM, इसका मतलब इंडिया पीछे चली, हाँ, तो इंडिया को भी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गई, यानी कि उसी साल, यानी उसी दिन हमें मेल फीमेल सभी को एक साथ में दे दिया गया था 1950 में। लेकिन अगर हम बात करें अपने नाइबरिंग कंट्री पाकिस्तान की, तो वहाँ पे 1956 में फुल हुआ था, यानी कि फुल सफरेज मीन्स वुमेन और मैन दोनों को राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड दोनों कब दिए गए थे? 1956 में। लेकिन 1951 में मेल्स को राइट दे दिया गया था, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब तैयार हुआ तो 1951 में उनको दे दिया गया था राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड, लेकिन वुमेन को 1956 में दिया गया, तो इसका मतलब 5 साल का डिले है बीच में और तब जाके फुल हुआ, ओके। ये था पाकिस्तान। तो यही थे मेन मेन फैक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी और भी वीडियो बनाऊँ ऐसी ही शॉर्ट टॉपिक्स पे। तो आप कमेंट में मेरे को कोई सजेशन दे दीजिए, ओके, थैंक यू, गुड बाय।